दिल पर हाथ रखकर पूछिए सरकार, क्या आप इस कुर्सी के काबिल हैं? जी हाँ, ये सवाल किया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है और ये कहा है कि जरा दिल पर हाथ तो रखिए और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए कि क्या आप उस कुर्सी के काबिल हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इस कोरोना काल में सामने आई है, साथ ही साथ अगर अन्य बातों का जिक्र करें, चाहे हम आपराधिक मामलों की बात करें या फिर अन्य फैसलों के मामले में भी हमेशा से विपक्षी दलों की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। और ऐसे में इस कोरोना काल के दौरान कई सारी तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली साफ तौर पर देखने को मिली है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल खड़े किए जाएंगे। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज क्यों नहीं सुनते, अब आपका वक्त गुजर चुका है, अब आपका इन कामों में मन नहीं लगता और यही वजह है कि बिहार की बदहाली की ये तस्वीर आए दिन सामने आती है। आपको बता दें कि इस कोरोना काल के दौरान कई अनगिनत तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से विपक्षी दलों की तरफ से, खास करके पूरे लालू फैमिली की बात करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर उनकी बेटी जो सात समंदर पार सिंगापुर में है उनकी तरफ से भी लगातार बिहार के सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली जा रही है। चाहे हम स्वास्थ्य उपकेंद्रों की बात करें, सदर अस्पतालों की बात करें, हर तरफ की बदहाली की तस्वीर हमने देखी है और ये तस्वीर देखकर हम सभी भले ही विचलित हो जाते हैं, लेकिन शायद सरकार के भीतर इन तमाम दृश्यों को देखने के बावजूद किसी तरह की खलबली नहीं मचती है और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य की बात करें तो इन दिनों वो अपने सोशल मीडिया से खास सक्रिय दिखाई दे रही हैं, लगातार कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, वार प्रतिवार लगातार चला था और ऐसे में उनके अकाउंट को 24 घंटे के लिए लॉक भी कर दिया गया, लेकिन उससे रुकने वाली कहां थी वो। जैसे ही उनका अकाउंट ओपन हुआ, खुला, लगातार एक बार फिर से उन्होंने मोर्चा संभाला और कई अनगिनत ट्वीट कर दिए। आपको बता दें कि इन दिनों रोहिणी आचार्य को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं वो बिहार की राजनीति में एंट्री करना चाहती है और यही वजह है कि लगातार उनकी तरफ से इस तरीके से बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।